शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा आपको खुश कहती हूं आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि क्यों पाकिस्तान में सिक्योरिटी इधारों के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं पिछले हफ्ते मॉस्को कंसर्ट हॉल के अंदर एक टेररिस्ट हमला हुआ इसको रूस यूक्रेन जंग के तनाजर में भी देखेंगे और इस बात का भी जायजा लेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान की तरफ से ट्रेड टॉक की ख्वाहिश को एंटरटेन करेगा नीस यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में सीज़ फायर की करारदादा क्या मिडल ईस्ट में अमन ला सकेगी कैनेडा के लिबरल और एनडीपी डी पार्टियाँ अब क्या कहेंगी कि गज़ा के बारे पोल्स बताते हैं कि वहाँ के लोगों में हमास के लिए सपोर्ट बढ़ गई है तो बातचीत का आगाज सबसे पहले करते हैं हम इस बात का जायजा लेते हुए कि क्यों पाकिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं आँ... दासुदैम जाने वाली चीनी इंजीनियरिंग की गाड़ी पर हमले के नतीजे में पांच चीनी इंजीनियर हलाक हो चुके हैं इसी रोज نوشکی में खुफिया ادارے के ऊपर दस्ती बमलों से हमला किया गया है इन्हीं दिनों तरबुत और ग्वादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर ऊपर तले हमले हुए हैं आप इस सूरत हाल का कैसे हमारे नाज़रीन को तब्सरा देंगे देखिए बात बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के तमाम तर दावों के बावजूद कि वो टेररिस्टों से निपट लेंगे हमले बढ़ते चले जा रहे हैं अब ये टेररिस्ट कौन हैं ये भी एक वहाँ पे बड़ी ही जो मुबिम सी लाइन है वेग सी लाइन है कहीं तो वो बलोच लिब्रेशन आर्मी के लोग होते हैं इस तरह के हमलों के पीछे कहीं टी, -टी -पी वाले पीछे होते हैं सम टाइम जैसे ये दासू डैम वाला वाक़ है आ, अभी गलबा दो ढाई साल पहले आ, ये किसी तरह का वाक़ हुआ था जिसमें नौ चीनी इंजीनियर्स और कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे वो मारे गए तो वो जो था हमला उसके बाद भी एक हमला उसी इलाके में हुआ आ, पहले हमले के पीछे आ, टी टी पी वालों ने कहा कि हम हैं और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने माना कि जी ये तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं एक हमले के पीछे वो बलोच ने कहा अब बलोच तो मजहबी लोग नहीं हैं उनका तो वो लिबरेशन का अपना एक नेरेटिव है तो बहरहाल जो भी वहाँ पर ग्रुप्स हों अब सूरत हाल पाकिस्तान में ये है कि आए रोज कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी इदारों के लोगों पर हमले हो रहे हैं और ठीक से पता भी नहीं चलता कि किसके पीछे कौन है जो हमारी इतलात हैं वो तो यहाँ तक हमें पता चलता है कि समाइम टी टी पी बलोच ग्रुप्स ये भी आपस में एक दूसरों के साथ मिल के कुछ इस तरह की जो कॉमन दुश्मन उनके लिए कॉमन दुश्मन पाकिस्तान की रियासत है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं तो देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों के तमाम तर दामों के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है और ख़ास तौर पर जो चीनी आ, वहाँ पे काम कर रहे हैं जिनका तल्लक वो जो पाकिस्तान इकनॉम चाइना पाकिस्तान सी पैक इकनॉमिक कॉरिडोर से है वो क्यों इसका निशाना है तो ये बात तय है कि टी टी पी वाले हों या बलोच डिफरेंट ग्रुप्स हों उनमें से किसी को भी चाइना की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पसंद नहीं है चाइना प्रोजेक्ट जो है वो पसंद नहीं पसंद नहीं उनको लगता है कि चाइना वहाँ पे अपने पंजे गाड़ रहा है अब आप देखिए जो पाकिस्तान के मजहबी ग्रुप हैं जैसे टी टी पी इनका तो मसला हो सकता है जिस सिंकयान में जो है वो मुसलमानों के साथ चाइना जुल्म करता है लेकिन बलोच लिब्रेशन आर्मी या बलोच डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनका तो ये मसला नहीं है उनका मसला तो है कि भाई बलोचिस्तान की जो इंटेग्रिटी है वो पहले पाकिस्तान की फ़ौज ने आ, उसको दाव पे लगाया हुआ था हमारी ज़मीन पे उन उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है अब उनका ये है कि चाइनीज़ भी यहाँ पे आन घुसें हैं हम जरा चाइनीज़ को तो मारें ताकि ये तो यहाँ से भागें और फ्रेंकली चाइनीज़ सारी सूरत हाल से काफ़ी डीमोरलाइज हुए हैं और वो वाकई भागने वाली सूरत में है चाइनीज़ अब ये सोचते हैं कि भाई हम ये काम कैसे करेंगे अब ये जो कल वाक़ा हुआ है जिसमें पाँच चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए और गालबन एक ड्राइवर भी जो पाकिस्तानी था वो भी बेचारा उसमें मारा गया तो ये भी उनके लिए डेवस्टेटिंग है कि भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ के इतने बड़े बड़े दामों के बावजूद और ख़ासतौर पर पाकिस्तान आर्मी का ये दावा कि हम बड़ी बहुत बड़ी माइट हैं तो ये हमला कोई एक दिन हो जाए दूसरे दिन हो जाए ये तो ख़ुद पाकिस्तान आर्मी के लोग चाइनीज़ सोचते होंगे ये तो ख़ुद महफूज नहीं है इनके अपने वो जैसे गवादर में भी हमला हुआ तरबत में भी हमला हुआ और नौशकी में हमला हो गया जो बताया जाता है कि खुफिया अदारे का आ, कोई ऑफिस था जो कि ज़ाहिर अगर खुफ़िया अदारे का ऑफ़िस था तो ज़्यादा इम्कान यही है कि आई एस आई का वहाँ पर ऑफ़िस होगा तो जब वो निशाने पर हैं तो चाइनीज़ सोचते होंगे कि भाई हम तो फिर आफ्टर ऑल बाहर के हैं इसीलिए वो पाकिस्तान वाले बड़ा शोर में चाह रहे हैं कि अब चाइना की आनी ताकत के साथ हम मिल के मुकाबला करेंगे तो भई अब आप मिल के मुकाबला अब करेंगे ये तो कई सालों से जारी है आप कुछ कर ही नहीं सके तो मतलब ये किस को दिखावे के लिए ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आ, ये ओवर नाइट प्रोजेक्ट तो नहीं है ये काम जो ओवर अ नाइट भी नहीं है ये ये हो ही नहीं सकता सिंपल सी बात चाइना इज स्टिल माइटी पावर वो होगा माइटी पावर लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर ये काबू पा सकते होते तो आ, ये काबू पा लेते तो ये? नहीं काबू पा सके और बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह कि ये हालात वहां पे बिगड़ बिगड़ रहे हैं चलिए अब इस तरफ आते हैं जाहिर है कि इस तमाम सूरत हाल से चीनी हुकूमत पाकिस्तान से खुश नहीं क्योंकि एक तो उनके लोग मर रहे हैं दूसरे उनका पैसा भी डूब रहा है तो आप इस मामले को कैसे देखेंगे देखिए बिल्कुल जैसे मैंने अभी बात की कि चीनी हुकूमत बिलाशुबा खुश नहीं है दोनों हवालों से कि ना तो उनके लोग पाकिस्तान में उनको हिफाजत मुयसर है और जो मर्जी ज़बानी दावे करते फिरें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि हालात तो ख़राब हो रहे हैं या तो ना हालात काबू में आ रहे हो हालात तो ख़राब हो रहे हैं दूसरा उनका पैसा भी वो कहने को तो उन्होंने 62 या 65 बिलियन डॉलर प्लज किया था लेकिन जो हमारी तलात हैं वो 20-25 बिलियन डॉलर ही चाइनीज़ ने एक्चुअली लगाया है उसके बाद हाथ खींच लिए हैं और तौबा कर लिए है चूँकि इमरान ख़ान की गवर्नमेंट ने भी सी पैक को पैक किया था फिर ये पाकिस्तान की जो इतलात हैं फौजी जनता भी वैसे दिल से नहीं चाहती कि चाइनीज़ वहाँ पे अपने पंजे गाड़े, शिकंजे वहाँ पे कसें क्योंकि उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को बहाल बहुत खौफनाक है क्योंकि चाइनीज़ के पंजे गाड़ने और शिकंजे कसने से होता ये है कि वो मतलब लीन पड़ जाती हैं टेरीटरी क्लेम आ जाता है चाइनीज़ का तो चाइनीज़ तो इससे कम बात नहीं करते अब चाइनीज़ को ये लग रहा है कि चलिए हमने 25-30 बिलियन वाट एवर नंबर इज़ जो हमने लगा दिया है उसमें ठीक है चाइनीज़ कंपनियों को ही वो पेमेंट हुई हैं वही लेकर गए हैं बहुत सारा पैसा कुछ पाकिस्तानी खा गए कुछ लग भी गया प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन चाइनीज़ को ये भी लग रहा है कि ये जो सी की सड़क है यहाँ पे ट्रक तो कोई आ जा नहीं रहे कोई भी दुनिया के जो हाईवेज होते हैं उनके खासतौर पर जो टोल्स हाईवेज होते हैं उनके खर्चे होते हैं यूटिलिटी का आ, अगर वहां पर ट्रैफिक ही नहीं है अगर आप ट्रैफिक टैरिफ ही नहीं ले रहे तो आप कैसे उसको वाइबल बनाएंगे अच्छा फिर चाइनीज का ये जो कोई प्लान था कि हम अपनी जो गुड्स हैं वो चीन से सिंकियानिक से लेके सीधा ग्वादर आएंगे तो वहाँ से वो चलिए हमारे ख़र्चे इस तरह पूरे हो जाएंगे वो भी अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों ने चाइना के ऊपर अपनी जो है एक तरह से सख्तियाँ की हुई हैं कोल्ड वार्स सी चल रही है दूसरा पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है अभी आपने देखा पिछले दिनों ग्वादर में बारिश हुई टेररिज्म तो एक तरफ रखी है वो बारिश से पूरे का पूरा शहर डूब गया अभी चाइनीज़ के ट्रक नहीं आ रहे सामान ले के सिंकानिक से जो उनका ख्वाब था कि हम ये राहदारी इस्तेमाल करें ये जो हमने इस सड़क पे ही को बारह तेरह बिलियन डॉलर शायद लगा दिया है तो इसको हम ज़ाहिर है वो इसी तरह पैसे पूरे करेंगे ना अब वो भी पूरे नहीं हो रहे पाकिस्तान भी इस पोजिशन में नहीं है कि चाइनीज़ कर्जे देने तो दूर की बात है उसका इंटरेस्ट भी दे सके तो चाइनीज़ भी महसूस करते हैं कि भाई हम किस जगह पर फंस गए हमारे लोग भी यहाँ पर मसाइल का शिकार हैं मर भी रहे हैं हमारा पैसा भी डूब रहा है और उसके निकलने का कोई इम्कान भी नहीं है और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट थे उनके सिंक्यानिक में उनको तंग करते थे उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में उनको तंग कर रहे हैं तो वो ये सोच रहे कि हम किस जगह पर फंस गए हैं और मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट भी सोचती है कि चाइनीज़ फंसे अच्छा है ताकि इसी तरह से चाइनीज़ भी यहाँ से भागें चूँकि उनको पता है हमारे पास तो पैसे नहीं है उनको पैसे देने के लिए और ये प्रोजेक्ट चलने जोगा नहीं है ये किस कि, किसी एंड पे नहीं पहुंचेगा उनका तो सिर्फ इतना ख्वाहिश है पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट की या वहाँ की जो पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की कि भाई किसी न किसी बहानों से हम चाइनीज़ को उस प्रोजेक्ट में उलझाए रखें कभी एक अरब आ जाएगा कभी 500 मिलियन आ जाएगा तो कुछ ना कुछ आता रहेगा देंगे तो हम इनको नहीं कभी कोई कर्जे की किस्त देनी हुई सूद की शक्ल में तो इधर उधर से पकड़ के एक की टोपी ले के, दूसरे के सर पे टोपी दे, दे देंगे चले इनको थोड़ा सा कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ठीक ठाक धोखा दे रहे हैं दोनों मुल्क और अल्टीमेटली इसमें चाइनीज ही मुँह की खाएँगे और जलील हो के जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है इट्स अ फेल प्रोजेक्ट और अब इस वक्त बुरी सूरत हाल है मुश्किल सूरत हाल है और वैसे भी इकनॉमिक पोजिशन देख लीजिए थ्रू आउट द ग्लोब इज़ वेरी टायरिंग तो उसमें हर एक थका हुआ क्या कर सकता है चलिए जी अब हम चलते हैं मॉस्को की तरफ पिछले हफ्ते मॉस्को कॉन्सर्ट हाल के अंदर एक टेररिस्ट हमला हुआ इसको रू, रूस यूक्रेन जंग के तनाजर में भी देखा जा रहा है डिफरेंट प्रस्पेक्टिव हैं आप इस स्टोरी पर कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे देखिए मॉस्को के मजाफात में एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर जो टेररिस्ट हमला हुआ है लास्ट फ्राइडे को बड़ा ही टेरिबल था और दिल दहला देने वाले मंजर हैं वहाँ पे अब तक इतलात के मुताबिक 140 के करीब लोग मारे जा चुके हैं आधा कॉन्सर्ट हॉल उड़ गया और चार जो हैं टेररिस्ट उन्होंने पकड़ लिए उनको कोर्ट में पेश भी किया जो ताजिक बैकग्राउंड के हैं अब वलादिमिर पुतिन ये कह रहे हैं बहुत रीसेंट शुरू में भी उन्होंने कहा था कि ये जो टेररिस्ट थे इन्होंने यूक्रेन भागने की कोशिश की थी यानी उन्होंने इशारा दिया था कि यूक्रेन इनके पीछे है अब वो ये कह रहा है कि ये हैं तो इस्लामिक टेररिस्ट हैं यानी वो जो आईसल के ग्रुप के हैं आ, वो लोग हैं ये बात उन्होंने कह दी है और उन्होंने कहा है कि ये लिंक हैं यूक्रेन के साथ अब जो वेस्टर्न मीडिया है जो वेस्टर्न हुकूमतें हैं वो पहले दिन से ही शोर में चाह रही हैं कि देखिए रूस की सिक्योरिटी फेल हो गई व्लादिमिर पुतिन फेल हो गया हमने इसको इतला भी दी थी अमेरिका ने इतला भी दी थी कोई सात मार्च को कि आपके यहाँ कोई टेररिस बड़े लेवल का हो सकता है तो इसने इग्नोर किया ये देखे कितना नालाइक सदर है ये है वो है तो इस खौफनाक और बड़े ही दिल दहला देने वाले टेररिस एक्ट की अपनी जो हॉल हैं वो तो अपनी जगह पे हैं मगर इससे एक इंटरनेशनल एक क्राइसिस बन रहा है रूस बुनियादी तौर पर उनका वो चेचन जो थे इस्लामिस्ट थे उनके साथ भी झगड़ा रहा लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि चैचन जो इस्लामिस्ट थे बड़ी तादाद में उन्होंने रूस ने भर्दी की है अपनी आर्मी में और यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ाई अच्छा यूक्रेन ने भी बहुत सारे इस्लामी ग्रुपों को भर्ती किया हुआ था ये एक बड़ी डर्टी जंग है इस जंग की आग में जिस जिस को झोंका जा सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड भी झोंक रही है और रूस भी झोंक रहा है अब ये बीच में ये टेररिस्ट आ गए हैं इस पूरे मंजरनामे में आमतौर पर जो इस्लामिक टेररिस्ट जो प्योर इस्लामिक जज्बे के टेररिस्ट होते हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं इस तरह के हमलों के बाद या मारे जाते हैं लेकिन ये बच गए हैं और ठीक हालत में थे जब ये बचे हैं अब इन को काफ़ी मारा है, रूसी इन्वेस्टिगेशन के इदारों ने हमने हशर देखा जब इनको कोर्ट में लाए हैं रूस की मॉस्को की अदालत में तो एक को तो व्हील चेयर पर लाए बाकियों के सब के चेहरे बिगड़े हुए हैं काफ़ी उनकी मारपीट हुई है उसमें से एक टेरिस का तो एक वीडियो भी आ, रूसी आर्मी कहा जाता है सोशल मीडिया पर रिलीज़ हुआ उसने कहा जी मुझे हाफ मिलियन रूबल देने की बात की थी जिन्होंने भी की थी अब वो कहते हैं टेलीग्राम जो ऐप है उसके ज़रिए हमें भर्ती किया था हमें नहीं पता भर्ती करने वाले कौन थे मैं आई डोंट डाउट वो जो टेररस कह रहा है उसकी बात को क्योंकि वहाँ पे ताजस्तान हो इस तरह की जगहों पे इतने गरीब डेस्परेट लोग हैं और फिर उनके यहाँ मजहबी तड़का भी लगा हुआ है उनको आप पाँच लाख रूबल की बात करें जो तकरीबन पाँच छः हज़ार शायद यू डॉलर बनते हैं तो वो मतलब उनके लिए वो बहुत बड़ी रकम है अच्छा फिर उनके यहाँ मज़बी तड़का भी होगा तो अब वाकई उनको नहीं पता हो सकता कि कौन उनको डायरेक्ट कर रहा है चूँकि टेलीग्राम पर तो कोई भी शख्स वहाँ पर बैठ के ग्रुप बना ले और उस जिसने ग्रुप बनाया उसका किस हकूमत से किस हुकूमत की किस एजेंसी से ताल्लुक है किसी को पता नहीं आसानी से चल सकता तो देखिए ये जो दुनिया का खेल है ये जो टेर्रज़म का खेल है ये सिर्फ इस्लामी जज्बे से नहीं हो रहा इसके पीछे हुकूमतें इन्वॉल्व हैं दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं पैसा इन्वॉल्व है असल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि आप इसको इस रंग में नहीं देखते कि क्योंकि डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है ग़ुरबत इतनी ज़्यादा है इस वक्त की सूरत हाल इतनी आ, डेस्परेट हैं लोग कि वो काम चाहते हैं वो लड़ मर जाना चाहते हैं लेकिन वो उनको सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर जो है मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा प्रीडामेंट है देखिए जिन जो तो जहादी होते हैं जो तो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए भी एक इकनॉमिक फैक्टर होता है इसमें कोई शक वाली बात नहीं मगर उससे बड़ा इकनॉमिक फैक्टर जो उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं उन जहादियों को भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता होता कि उनको ऑपरेट करने वाली कुवतें कौन सी हैं क्योंकि वो एक हाथ नहीं होता कई हाथ होते हैं कोई एक लाड है उसके पीछे कोई ड्रग माफिया के लोग हैं उसके पीछे तो ही नहीं, नहीं ही तो? वो उनकी इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकती उनके पीछे को वेपन्स के हो सकते हैं उनके पीछे कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हो सकती हैं उनके पीछे मुल्कों के जो बड़े बड़े सिक्योरिटी इदारे हैं वो हो सकते हैं तो ये एक सिलसिला ना ख़त्म होने वाला होता है अब देखिए जो आम सिंपल इस्लामिक टेररिज्म के जो आ, जहादी वाक़ हैं जैसे लंदन में हुआ या जैसे न्यूयॉर्क में हुए अमेरिका में हुए नाइन अलेवन का सबसे खौफनाक वाक़ था उनके पीछे भी कोई बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं तो अगर हुकूमतें ना भी शामिल हों तो बड़े बड़े माफिया इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं अच्छा फिर उसमें क्या होता है कि सम टाइम उसमें रिलीजन का इतना तड़का होता है कि जो सुइसाइड अटैक करने वाला है या जो गोलियाँ चलाने वाला है वो वाकई इसको ना फर इस्लाम की जंग समझ आपने कोई भी नॉर्मल इंसान मारना या मरना तो नहीं चाहता ना तो आपने कोई इंसेंटिव क्रिएट करना होता है तो मज़हब एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है मज़हब एक इंसेंटिव है और ऐसी हरकतें करने, करने वाले और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो नॉर्मल होते भी नहीं है वो होते ही अब नॉर्मल है दुनिया में जो नॉर्मल इंसान हमें नजर आते हैं हमारे जैसे जो आठ बिलियन लोगों की दुनिया है उसमें आठ बिलियन को नॉर्मल नहीं है इसमें क्रेजी जो जेन रखने वाले एक आध बिलियन लोग हैं और उन क्रेजी जेन रखने वालों में से जो फर्दर रेडिकल होते हैं बहुत ही खौफनाक रेडिकल होते हैं वो भी कपल मिलियंस हैं तो ये मतलब एक कोई ऐसे को दो चार लोगों का खेल नहीं है हाँ, ये, ये तो बहुत एक बड़ा एक रिपल इफेक्ट के तहत भी हैं चलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि रूस इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा देखिए रूस जो है वो जिम्मेदारी अब डाल रहा है इनडायरेक्टली यूक्रेन पे वो कह रहा है कि भाई यूक्रेन ने आर्केस्ट्रेट किया वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है कि ये सदर पुतन की अपनी नलाइकी है ये खुद ही नलायक है अच्छा वेस्टर्न वर्ल्ड जब नलायकी की बात करते हैं तो उनसे ये सवाल मेरा भी बनता है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके यहाँ इतने टेरर्स एक्ट हुए अभी भी होते रहते हैं तो क्या वो आपकी नलायकी होती है ये अनस्टापेबल अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाकत होते हैं अब हालांकि वलादिमिर पुतिन और रूस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमास के हक में है एक तरह से या ये जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं मिडल ईस्ट के उनके वो ख़िलाफ़ नहीं हैं वो सिर्फ असाद गवर्नमेंट को बचाना चाहते थे लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि ये इवन तालिबान भी उनके ख़िलाफ़ नहीं है आज तो सिर्फ ये आईसेल वालों ने कहा है कि हम भाई इसके पीछे हैं अब आईसेल वालों ने भी जिस तरह कहा है वो भी बड़ा मशकूक तरीका लगता है वो आईसेल ने टेलीग्राम पे ऐलान किया कि हम हैं इसके पीछे अब आईसेल के पीछे कौन है रूस तो कहता है कि यूक्रेन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है अब ये भी रियलिटी है कि आईसेल जो है ये बहरहाल अमरीका इसके पीछे एक ज़माने में था फिर अलकायदा के पीछे भी था मुजाहरीन के पीछे भी था फिर वही अलकायदा जो अमरीका ने बनाया वो अमरीका को लड़ पड़े नाइन अलेवन उन्होंने कर दिया तो ये तो खेल ही ऐसा है ना कि एजेंसियां जिसको बनाती हैं जब उनकी आपस में अनबन हो जाती है तो वो वापस एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो अब रूस कैसे रिएक्ट करेगा जो बुनियादी सवाल है तो रूस ने पहला काम तो ये किया कि उनको गिरफ्तार कर लिया है अब उनकी तफ्तीश हो रही है मारपीट हो रही है उसके में से जो भी इंफॉर्मेशन उनको मैक्सिमम मिल सकेंगी वो मिल जाएंगी लेकिन मुझे लगता है कि उन लोगों के पास भी जिन्होंने टेररस एक्ट किया है जो रूस की तहवील में है उसके आ, अरेस्ट में है शायद उनके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन ना हो उनके पास भी इतनी ही इन्फॉर्मेशन को भाई हमें ये मैसेज आया था कि तुम इतने पैसे देंगे कुछ दे दिए उन्होंने कुछ देंगे असला वहाँ से ले लो और ये काम कर लो इससे ज़्यादा हो सकता है उनके पास इन्फॉमेसन हो ही ना वो बताएंगे कि ये एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ उसने हमें ये इतला दी थी वो ग्रुप उसको कौन ट्रेस करता है फिर एक बहुत मुश्किल काम होता है अब रूस ये करेगा कि वो जंग तो ऑलरेडी चल रही है यूक्रेन के साथ थोड़े से अगर रूस को थोड़े से कंक्रीट सबूत मिल गए इन केस तो रूस एक शरीर अटैक कर देगा लेकिन मेरा यह ख्याल है कि रूस कोई रिएक्ट करने में कोई खास चीज नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जंग चल रही है वो दो जगहों पे और बम फेंक देगा ये टिट फॉर टैट वाला है कि आपने किया है अब मैं कर रहा हूं अब मैंने किया है अब आप कर रहे हैं एक है। तो टिट फॉर टैट है जंग में वो तो चलता ही है वो तो चल रहा होता है जिसकी जो बसाहत होती है वो कर रहा होता है मगर इस खास तौर पर किस्से में बड़ा मुश्किल है रूस को पिन पॉइंट करना एग्जैक्ट इसके पीछे जो लोग हैं चलिए हमने मान लिया यूक्रेन इसके पीछे नहीं है मगर बहरहाल इन टेररिस्टों के पीछे कोई ग्रुप तो है ना चलिए वो ग्रुप खुद कहता है जी मैं हूँ वो ग्रुप कहता है मैं हूँ यानी आइसल हूं मैं दाइश हूं मैं इस्लामिक जहादी ग्रुप हूँ मैं हूं उसके पीछे लेकिन वो ग्रुप है ना कोई लोग तो नहीं पता चल रहे ना उनको यानी रूट कॉज जो है वो पकड़ना बहुत मुश्किल है सिम्टम्स को किया जा सकता है कंट्रोल ना सिम्टम को लिए कंट्रोल कर सकेंगे ऑनेस्टली जो लोग पकड़े हैं उनको अपनी कोर्ट्स में से सजाएं वज़ाएँ दे देंगे दो चार बम इधर फेंकेंगे दो चार बम उधर फेंकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आईसल का खरासान का कोई इलाका जो आजकल कल इतफाक़ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है चूँकि आइसल अब इराक़ और सीरिया से रीलोकेट होकर आ गए हैं इस इलाके में अब सोचने वाली बात यह है कि वहाँ से अमरीका ने उनको अमरीका ने अगर उनको बनाया था जिसका इम्कान है तो अमरीका की ही उनके साथ फिर बाद में लड़ाई हुई लेकिन अगर वो उनमें से चंद सौ लोग भाग के अब इधर आए हैं वो भी तो किसी ना किसी की मदद से आए हैं ना रीलोकेशन उनके ऐसे तो नहीं हो सकी ना वो भी तो कहीं से आ, मतलब जहाज पकड़ के इधर उधर से या सड़कों पे चार चार दिन थी वो कुछ, कुछ हुआ है ठीक है अब वो अब वो ग्रो कर गए हैं हाँ, अब वो चंद सौ नहीं चंद हजार हो गए हैं तो उनके ठिकानों पे रूस को एक दो हमले कर देगा अब कॉस्मेटिकली रूस को कुछ तो करना है लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो तो ऑलरेडी है जो कि इनफैक्ट और, और ये सारा सिलसिला भी मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा ये नेवर नेवर एंडिंग एंडिंग सिचुएशन हो हो सिचुएशन है। आप ब्लैक एंड वाइट में दुनिया को नहीं कर सकते ये ग्रे ही रहनी होती है इन एनी वे और इसमें मैं एक बात का कर इजाफा करूंगा कि रूस और यूक्रेन की जंग तो ना रुकने वाली अब जंग है, है। अब उसमें वेस्ट भी इन्वाल्व है अब वेस्ट भी ये देख रहा है कि भाई हम नेटो किस तरह जाएं फ्रांस ने कहा है जी हम अपनी फौज भेजने को तैयार हैं जर्मनी का ने कहा है कि नहीं ऐसा न करें असला भेजें तो इसका मतलब ये है कि ये जंग मजीद बढ़ेगी और तीसरी का जो है, जो बड़ा खतरनाक खतरा है उसकी तरफ जा रही है चलिए अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं पाक भारत की तरफ पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ ट्रेड टॉक्स की बातें की जा रही है मगर भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया आप पाकिस्तान की इन खबरों को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से यूं लगता है कि जैसे यक तरफा ही ये बात उठाई जा रही है कि भई हम ट्रेड टॉक करना चाहते हैं आज पाकिस्तान के फॉरन मिनिस्टर इसहाक डार की तरफ से भी कहा गया फिर कुछ इस तरह की भी हकूमती एहलकारों की पाकिस्तान के हकूमती एहलारों के बयान आए कभी पाकिस्तान के कुछ बिजनेस ग्रुप्स मिले हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि भारत के साथ ट्रेड टॉक शुरू करनी चाहिए क्योंकि ये जो ट्रेड है भारत के साथ ये पाकिस्तान ने रोकी थी भारत ने नहीं रोकी थी जब 2019 हज़ार अगस्त को कश्मीर का आर्टिकल 370 को भारत ने रिवोक किया था तो पाकिस्तान ने इन प्रोटेस्ट रोकी थी अब पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि बस हमने चूंकि रोकी थी ट्रेड टॉक अगर हम शुरू करेंगे तो बस शुरू हो जाएगी यानी अगर हम चाबी लगाएंगे तो भारत में वो चाबी काम करेगी और भारत की जो मशीनरी है वो पूरी की पूरी हमारी चाबी से घूम जाएगी वो जैसे मुंतज़र बैठे हैं कि वो कर लेंगे कल ही मैंने आ, मेजर गौरव जी के साथ एक शो किया और मैंने ख़ास तौर पर उनसे पूछा कि भाई ये पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं और आप क्या कहते हैं इनमें कितनी जान है उन्होंने कहा ज़ीरो उन्होंने कहा भारत में इस पर कोई बात ही नहीं हो रही अच्छा मैं मेजर गौरव आर्या साहब की इस बात को आ, बड़े आ, वजन के साथ देखता हूँ वो वजन की बात एक बात तो है कि भारत में इसमें इलेक्शन की फ़जा है कोई इम्कान ही नहीं है कि भारत में इस पर कोई डिस्कशन या इवन कंसिड्रेशन भी हो रही हो यानी एटलीस्ट जून तक जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ रहे कोई इम्कान ही नहीं है अब मतलब पाकिस्तान की तरफ से वो अपनी तरफ से इसहाक डार या बिज़नेसमैन या इधर उधर के टी वी शोज़ पर वो बातें करवा रहे हैं जी कितना इम्कान है हाँ जी बस हम शुरू कर देंगे भारत के साथ ट्रेड तो भारत शुरू कर देगा अच्छा ये सब पाकिस्तान की तरफ से वबाल उठ रहा है भारत की तरफ से बिकॉज ऑफ देयर इलेक्शन इन नेक्स्ट टू टू थ्री मंथ्स कोई चांस ही नहीं है कि इसकी तरफ इस हवाले से कोई स्टेटमेंट भी एक्शन तो बड़ी दूर की बात है हमें हाँ यही कहने वाली थी कि इस वक्त भारत के अंदर इतने ज़्यादा मूवमेंट है कि उसके अंदर कुछ और सोचना इस वक्त या कुछ, कुछ किसी किस्म का कोई आ, किसी बात पे तय करना या कोई माह करना मुमकिन ही नहीं है देखिए एक तो ये बात है एक तो ये कोई बात ही नहीं वहाँ पर हो सकती दूसरा कोई इम्कान वैसे ही नहीं है मेजर साहब ने क्लियर किया मेजर साहब अपने देश को बहुत बरीकी से समझते हैं और हमें भी समझ आती है भारत कि इस वक्त की जो सरकार है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो लगता है कि इलेक्शन के बाद रियल एक्ट हो जाएगी उनमें कोई विल नहीं है पाकिस्तान को एकट करने की मुझे नहीं लगता मैं ज़ाती राय देता हूँ मेजर साहब की राय और इन्फॉर्मेशन तो हमने ले लिया टैक टी वी पर कल के शो में लेकिन अब मैं ज़ाती राय देता हूँ मुझे नहीं लगता कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के रियल एक्ट हो जाने के बाद भी और जून के बाद भी किसी किस्म का कोई एकामोडेटिव जवाब आएगा पाकिस्तान के लिए वो खामोशी इख्तियार करेंगे बल्कि इन द मीन वायल बीच बीच में भारत के फॉरन मिनिस्टर ने एक दो जगहों पर इनडायरेक्टली ऑलरेडी कह दिया कि पाकिस्तान से किसी किस्म का संबंध पॉसिबल नहीं है जब तक जो पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज़ हैं टेररिज्म रिलेटेड जो पाकिस्तान ने हमारे साथ की हुई जब तक वो हल नहीं होते इवन इलेक्शन का मसला नहीं है इन दो तीन महीनों का मसला नहीं है मुझे उसके बाद भी भारत की तरफ से कोई ऐसा इम्कान नजर नहीं आता अंत के पाकिस्तान की तरफ से कोई इश्योरेंस वाया दुबई वाया सऊदी अरब न जाए लेकिन ख़तरा यह है कि इन मीन वायल पाकिस्तान की तरफ से फ्रस्ट्रेशन में या अपनी पोलिटिकल कन्जपशन में कोई और स्टुपट स्टेटमेंट आ जाएगी जब वो और स्टुपट स्टेटमेंट आ जाएगी तो और इम्कान भारत का इनके साथ बात करने के लिए अकोमोडेट करने के लिए काम हो जाएगा इवन यूएई और सऊदी अरब के बीच में बैठने की सूरत में भी मुझे पहली बात यह है कि यूएई सऊदी अरब वगैरह की इश्योरेंस के बगैर भारत सोचेगा भी नहीं ये मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि भाई पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई हरी झंडी दिखाई जाए इम्कान ही नहीं है चूंकि अगली सरकार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही लग रही है और वो बहुत क्लियर हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शुरू में जब वो आए थे अच्छे करने के तमाम हरबे अख्तियार किए थे तमाम अच्छी उन्होंने गुडविल दिखाई थी उल्टा उनको मतलब अपना पॉलिटिकल स्टेक भी अपना पॉलिटिकल जो उनका कैपिटल था वो भी स्टेक पे लगाना पड़ा और उल्टा बुरा बुला पाकिस्तान के मीडिया से सुनना पड़ा और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के ये स्टुपिट सियासदान और पाकिस्तान का ये जाहिल किस्म का जो मीडिया है ये फिर ऐसी बातें कर देता है कि भारत के लिए मुमकिन ही नहीं रहता कि इनकी किसी किस्म की रिक्वेस्ट को वो एंटरटेन कर सके यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में सीज फायर की करारदाद मंजूर हो गई है क्या इसराइल इस पर अमल करेगा और क्या ये करारदा मिडल ईस्ट में अमन ला सकेगी जी इस पर आप कुछ देखिए नहीं ये करारदार मिडल ईस्ट में कोई अमन नहीं ला सकेगी इस का मकसद भी मुझे यही लगता है कि एटलीस्ट को पॉज आ जाए दोनों की जंग के बीच में कोई टेम्परेरी सीज फायर हो जाए क्योंकि सीज फायर पहले भी बहुत सारी जंगें इसराइल और फलस्तियों के मुख्तलि ग्रुपों के दरमियान हुई कई सीज फायर हुए मिडल ईस्ट में कोई अमन नहीं आ सका और अब जो वहाँ पे इस वक्त का स्पाइरल है वायलेंस का और जो इश्यूज हैं वो ऐसे हैं कि ये अमन लाने वाले नहीं हैं इतना मैस हो चुका हुआ है कि मुझे वहाँ पे अमन आता नज़र नहीं आता अब करारदार ज़रूर पास हो गई है सलामती कौंसल की जिसमें अमरीका ने अपनी गैरहाज़िरी लगाई लेकिन वीटो भी नहीं दिया इसराइल को उस इस बात पर अमरीका से बहुत गिला है और घुसा भी है कि भैया आपने इस क्रारदात को वीटो नहीं किया इसराइल ने तो यहाँ तक कहा कि जो अमरीका में नेक्स्ट कोई टॉक होनी थी इसी मसला पर उन्होंने कहा हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे इसराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है नतन याहू की जो सरकार है वो भी इस वक्त जंगी हालात की वजह से अपने फैसले सख्त फैसले कर रही है और वो ठीक ठाक अपोजीशन भी उनको है जो कुछ भी चेंज होगा इसराइल की अंदर की डेमोक्रेसी में ही चेंज होगा वो तो वहाँ पे सारा मामला अब ये जो आ, मतलब फलसतीनी ग्रुप है और ख़ासतौर पर ये जो हमास का ग्रुप है आ, ये इनकी कार्रवाइयाँ तो अपनी जगह पे ना रुकने वाली हैं ये मिजाइल पहले भी फेंकते थे अब वो आजकल फेंकने की पोजीशन में नहीं है कल को जितने जल जितने भी ये बच जाएंगे हमास वाले अगर ये ऑपरेशन किसी स्टेज पे रुका भी तो ये फिर फेंकेंगे अमन तो नहीं आएगा तो ये बात एक रियलिटी है कि जो आम फलसतनी है जो खास बच्चे हैं ख़ीन हैं वो बेचारे काफ़ी इसमें फंसे हैं और आम जो यहूदी है जो ख़ास तौर पर वो बेचारे अभी तक हॉस्टेज में है, वो वो भी फंसे हुए हैं पूरा इसराइल इसमें एक तरह से हॉस्टेज में है उनको कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त किस तरह की दहशत गर्दी हो जाए तो आ, दोनों कौमों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं और मैं हर बार कहता हूँ राज भी कहूँगा इसके बुनियादी जो जिम्मेदार हैं ये हमास एंड जहादी ग्रुप्स हैं यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी क्या ये क्या ये इंडिकेटर है इंस्टिगेटर फैक्टर है या मेन रीज़न है बढ़ती हुई वर्ल्ड वॉर की तरफ देखिए वर्ल्ड वॉर की एक सूरत तो हमने अभी डिस्कस की यूक्रेन और रूस की और वेस्ट की जो टेंशन है उसकी वजह से वो एक बड़ी वजह है इनसे क्योंकि ये देखिए ये कुछ सत्तर पचहत्तर साल से इसी तरह चल रहा है ये ये मसला हमें वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं लेकर गया इसलिए कि इस मसला पर इसराइल के साथ को थोड़ा बहुत इख्तलाफ ये वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं जैसे उन्होंने अभी किया कि यार आप सीज फायर नहीं कर रहे सीज फायर करो अगर नहीं करते तो फिर हम आपके साथ नहीं बैठेंगे इतना ही होता है इनका इख्तलाफ लेकिन इन वेस्टर्न वर्ल्ड या अमरीका इसराइल के खिलाफ नहीं होते पे हाँ वो जंग की सूरत हाल नहीं बनती हाँ पहले ये था बल्कि कि जो अरब मुल्क थे वो कुछ ख़िलाफ़ थे वेस्टर्न वर्ल्ड के कि भाई ये क्या हो रहा है अब अरब जो अमीर वाले मुल्क हैं और इवन जो अमीर नहीं भी हैं वो भी अब तरक्की कर रहे हैं वो भी इस जंग और इस पूरा बदमनी से बाहर निकलना चाहते हैं वो भी अब अरब वर्ल्ड इसराइल के साथ दोस्त बन चुके हैं यू ए की मिसाल है मराको की मिसाल है सऊदी अरब बनना चाह रहा था बेरेन की मिसाल है तो वो ये सब कह रहे हैं कि यार हमने तो इसराइल के साथ कभी हमारी दुश्मनी होती थी हमने ख़त्म खत्म कर दी हुई है ये हमास वालों ने तो मैं मतलब सात अक्टूबर से ही कह रहा हूँ और बहुत सारे मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि इन्होंने ये ये जो सऊदी अरब और इसराइल का इकट्ठे बैठना था उसको रोका इन्होंने ये बदमाशी करके टेररिज्म करके अब मैं जो बात अभी पीछे कर रहा था कि ये जो बदमनी है और ये जो बुरी हालत है फ़लस्तनीों की उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये जहादी ग्रुप है क्योंकि अगर ये अमन हो जाएगा तो इन जहादी ग्रुपों का कारोबार ठप हो जाएगा ये बंद हो जाएगा इनकी इनका कारोबार ही जंग से है टेररिज्म से है लेकिन अब इसराइल ने यह बात रियलिटी है जो मर्जी हम कहते फिर अब इसराइल ने इनके काफी इनको कुचला है ठीक है उसमें बहुत सारे बेचारे लोग मारे गए हैं लेकिन इसराइल ने इन हमास वालों को इतना कुचला है कि अब हमास वालों के लिए इतनी बड़ी ताकत के तौर पर रिवाइव करना आसान नहीं है लेकिन ये करेंगे ये ये इस्लामिक ये जो है दहशत गर्द ये जो खरासान वाले हैं जिन्होंने रूस पे हमला किया इस तरह के लोगों को फिर बुला लेंगे मिला लेंगे लेकिन फिर भी इनकी ताकत काफ़ी कम हुई है तो अमन तो नहीं आएगा मैं कंक्लूड करता हूँ इसके जवाब में आ, लेकिन यह है कि इनकी ताकत जहादियों की काफी कुचली गई और देखते हैं, आने वाले दिनों महीनों सालों में ये ग्रुप किस तरह बिहेव करते हैं दुनिया किस तरह इनको कंट्रोल करती है तभी आएगा चलिए जी अब आते हैं हम अपने होमलैंड की तरफ यानी कनाडा की लिबरल पार्टी और एनडीपी पार्टियां अब क्या करेंगी कि गजा के बारे पोल्स बताते हैं कि वहां के लोगों में हमास के लिए सपोर्ट बढ़ गई है इन वाक़त की रोशनी में कैनेडा का सियासी मंजरनामा किस तरफ बढ़ता नजर आता है देखिए कैनेडा का जो सियासी मंजरनामा है तीन चार बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में है लिबरल पार्टी एन डी पी पार्टी उन दोनों के कोल्यूशन से इस वक्त गवर्नमेंट है फिर कंजर्वेटिव पार्टी पोल्स बताते हैं कि उनके अच्छे वो हैं इस वक्त अगर इलेक्शन इस वक्त हो तो वो जीत जाएंगे चौथी बड़ी पार्टी ब्लॉक के बिकॉज है वो अपने क्योंबैक के इशूज पे ही रहते हैं अब मेनली तीन बड़ी पार्टीज़ हैं जो नेशनल लेवल पे प्ले करती है। दो हैं दो पार्टियाँ जो हैं वो, वो सरकार बना के बैठी हुई हैं एक अपोजिशन में बैठी हुई हैं ये जो दो पार्टियाँ हैं इन्होंने आ, मतलब एक बिल पेश किया था कैनेडा की पार्लियामेंट में पिछले दिनों कि भई फायर होना चाहिए और टू आ, स्टेट जो, जो वहाँ पर सोलूशन है वो होना चाहिए फलस्तीन की रियासत होनी चाहिए अब अपरेंडली एन डी पी का तो कुछ पता नहीं चलता एन डी पी तो बहुत ही कन्फ्यूज़ है और कन्फ्यूज़ भी है और एक तरह से क्लियर भी है ये आ, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट की पार्टी है और जगमीत के हाथों में हाईजैक हुई हुई है और पॉपुलैरिटी खो चुकी हुई है तो फिर ये जो आ, होते हैं ना कम्यूनिटी वोट्स उनके चक्रों में पड़ते हैं तो इन्होंने तो मतलब ये कहा कि भई फ़लस्तन की रियासत बननी चाहिए अब जो यहूदी ग्रुप्स हैं जो कैनेडा में रहते हैं उन्होंने अपील भी की कि भई इस वक्त टू स्टेट सोल्यूशन की बात ना करें इस वक्त सिचुएशन और है हमारे हॉस्टेज पंसियों में है। हमास को हमने कुचलना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अब ये अब लिबरल पार्टी का ये कहना है कि जी हमास तो टेररिस्ट है हमास हमारी कनेडा की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दिखाई देती है वो कहते हैं जो फलस्तनी बाकी हैं वो वो तो बहरहाल उनका कोई कसूर नहीं है अच्छा ठीक है ये बात मुझे भी समझ आती है मगर बदकस्मती से एक इन्वायरमेंट फलस्तीन में ऐसा है इवन गज़ा की पट्टी में जहाँ पे आ, पी एल ओ का वहाँ पर हुकूमत है आ, तो अब पोल्स ये बता रहे हैं कि ये फलस्तनी इलाके जितने उनमें हमास की पापुलरिटी बढ़ रही है अब मैं कई बार कह चुका हूँ ये जो बेचारी आम फलस्तनी अवाम है ये भी तो को पढ़ी लिखी नहीं है ना इनके भी तो अपने जज्बाती मसाइल हैं मजहबी मसायल हैं है। या वहाँ पर जो घुटन की इस वक्त फ़जा है उसके नतीजा में वो समझते हैं कि हमास हमारे लिए सेवियर है अब ये जो माइंड सेट है आम जनता का भी फलस्तियों का ये इन बेचारों को और बुरी तरह मार रहा है इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू को और वो स्ट्रॉन्ग करेगा कि देखें हम नहीं कहते थे कि जिन पर हम हमला कर रहे हैं वो भी हमास के सपोर्टर हैं अब इसराइल के लिए तो पॉइंट है बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी ये बात मानती है अंदर दिल से लेकिन वो कहती है यही है कि चल ये नई नई सीज़ फायर हो जाए लोगों तक गज़ा पहुँचे क्योंकि ये ह्यूमन टेरियन हैं इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड गलत नहीं है क्योंकि एक ह्यूमनिटेरियन इशू में लोगों को गजा नहीं मिल रही भले से वो बेचारे अपनी जाहलीत की वजह से हमाज के सपोर्टर हैं लेकिन ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना कि उनको गजा ना मिले उनके बच्चे मरे अब अब ये तो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं टेरिज्म भी चलेगी हमास की सपोर्ट भी चलेगी लोगों ने खाना पीना भी है सांस भी लेनी है जिंदा भी रहना है अब इस सारी सिचुएशन में ही चीज़ सोल्यूशन निकालने होते हैं तो अब बहरहाल जो कैनेडा का पोलिटिकल मंजरनामा है उस पर मैं यही बात करूँगा कि लिबरल और एन डी पी ये बड़ी ही शॉर्ट साइटेड पोलिटिकल पार्टीज़ हैं ख़ास तौर पर ये दोनों इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिडल ईस्ट से क्या खबरें आएँ पोल्स क्या बताएं ये अपनी अहमकाना बातों पे कायम रहेंगे कैनेडा के अंदर जो उन्होंने इस वक्त अहमकाना पॉलिसियाँ चाहे वो इकनॉमिक पॉलिसियाँ हों चाहे वो डिफरेंट ग्रुप्स का ग्लोरीफिकेशन ऑफ़ टेररिज्म हो उस सब को ये पार्टियाँ अकोमोडेट कर रही हैं तो इस बात को भी अकोमोडेट कर लेंगी तो फिर कैनेडा की जो शॉर्ट साइटेडनेस है इन पोलिटिकल परस्पेक्टिव वो और बढ़ती चली जाएगी और हम कनेडियंस इन जाहिल पोलिटिकल पार्टियों के हाथों हॉस्टेज रहेंगे आज के बिला तकल्लुफ शो में बिला तकल्लुफ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया आज का बिला तकल्लुफ़ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप Patreon, PayPal पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.